सो दोस्तों फाइनली आज इंडिया मार्केट में सैमसंग का गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है और यहाँ पर स्मार्टफोन जो इंडियन प्राइस में निकल करके आ चुकी है जो कि मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरू करने पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप में जो 95% लोग हमारी वीडियो को देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ दोस्तों क्या कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता है। तो बिना देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्मार्टफोन आपको कुछ बड़ी कामयाबी देखने को मिलती है जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 से 4 कमी स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है जो कि आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले यहाँ पर स्मार्टफोन की आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। अब देखिए डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको कोनकियो कलर ग्लास 5 के साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले इसलिए बेहतर होने वाला है, एक तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड दिया गया है साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब चाहे इस डिस्प्ले के साथ आप नॉर्मल यूसेज करो या फिर मूवी देखो या फिर गेमिंग करो, तीनों ही जगह पर आपको काफ़ी बेहतर कलर प्रोवाइड कराएगा और स्मूथनेस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही बात करें पीछे की तरफ डिजाइन की, तो डिजाइन में आप पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू डिजाइन दिया गया है सैमसंग की तरफ से इस बार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन में एक ही डिजाइन देखने को मिलता है बिल्कुल रियलमी की तरह, लेकिन फाइनली यहाँ पर डिजाइन चेंज कर दिया गया है। साथ ही पीछे की तरफ आपको ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें एक 64 MP प्राइमरी दिया गया है, साथ ही एक 12 MP आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और एक 5 MP का यहाँ पर आपको टिल मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। अब कैमरा सेंसर्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं ना तो कैमरा सेटअप काफ़ी तगड़ा दिया गया है क्योंकि 12 MP अल्ट्रा वाइड और 5 MP मैक्रो, जबकि बाकी सभी कंपनियां आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड प्रोवाइड कराती है और 2 MP का मैक्रो। तो यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है अदर कंपनियों के हिसाब से। साथ ही बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 32 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और वो भी यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। अब कैमरे वाइज और डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। साथ ही बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर के, यानी कि स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर में भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालकॉम का एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि इस समय मैं समझता हूँ कि हर एक कंपनी अपने स्मार्टफोन में प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा और सबसे कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड देखने को मिलेगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ में आपको 4GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, चूंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस जो वो थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाएगी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रैम देखने को मिल जाएगी। साथ ही स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 2 RAM वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जहाँ पर आपको 4GB वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी तो अप टू टोटल यहाँ पर आपको 10GB की रैम देखने को मिल जाएगी। जो सेकंड वेरिएंट होगा वो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आएगा, जहाँ पर आपको 4GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी तो टोटल आपको 12GB की रैम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर रैम का सपोर्ट आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है बाकी अदर कंपनियों के मुकाबले में। वैसे तो यहाँ पर अदर कंपनियां भी आपको वर्चुअल रैम प्रोवाइड कराती है लेकिन कोई कोई 2GB कराती है, कोई 3GB कराती है, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा 4GB ही देखने को मिल जाती है 6GB रैम वेरिएंट के साथ में भी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रैम वेरिएंट आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर के, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बैटरी यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप प्रोवाइड करा देगी, इससे ज़्यादा का बैकअप प्रोवाइड नहीं कराएगी और जो फास्ट चार्जिंग है उससे अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो करीब आपको 2 घंटे का समय लगने वाला है। यहाँ पर आपको चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा लेकिन बैटरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है 5000 mAh की। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की कमियों की कि वो क्या कमी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। दोस्तों पहली कमी जो आपको देखने को मिलती है वो स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो लॉन्च किया जाएगा वो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में 28,000 रुपये में लॉन्च किया जाएगा जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। स्मार्टफोन की स्पेक्स को देखने के बाद में ये स्मार्टफोन एक्चुअल में 24,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये में लॉन्च होना चाहिए इंडिया मार्केट में, तो ये बेहतर रहने वाला है। वैसे आप स्मार्टफोन किस प्राइस तक बाय कर सकते हैं कमेंट करके जो बताएगा, मेरे हिसाब से तो 25,000 रुपये से ऊपर स्मार्टफोन को बाय करना बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पहली कमी देखने को मिलती है वो फिंगरप्रिंट में है, क्योंकि स्मार्टफोन आपको
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलता है, जबकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है ना वो बैकग्लास डिजाइन प्रोवाइड करा देती है, तो यहाँ पर दूसरी कमी ये देखने को मिल जाती है। और जो थर्ड और सबसे बड़ी कमी मुझे स्मार्टफोन में लगती है वो है 3.5mm ऑडियो जैक। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो एयरफोन यूज़ करनी पड़ेगी आपको टाइप सी से ही करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी आप बड़ी डिएडवांटेज देख सकते हैं। साथ ही बात करें अगली कमी की, तो यहाँ पर जो अगली कमी है वो सैमसंग की स्मार्टफोन में हमेशा आपको देखने को मिलती है, जो कि है स्मार्टफोन की ओवर प्राइस। यहाँ पर ऐसा कोई भी स्मार्टफोन सैमसंग ने अभी तक लॉन्च नहीं किया जिसको आप ओवर प्राइस ना कहें। सैमसंग का हर एक स्मार्टफोन आपको ओवर प्राइस देखने को मिलता है, और मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन 4 से 5 हज़ार रुपये ओवर प्राइस है। आपके हिसाब से स्मार्टफोन एक्चुअल में किस प्राइस पर लॉन्च होना चाहिए और कितना ओवर प्राइस है अगर ये स्मार्टफोन 28,000 रुपये में लॉन्च किया जाए, तो कमेंट करके जो बताएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऊपर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी वीडियोस रोजाना लाता रहता हूं। बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।